Hello. Oh. शासन स्तर से जो गाइडलाइन हमें प्राप्त हुई है, जिसे SOP बोला जा रहा है, उसके तहत हम लोगों ने पूरी 2 गज की दूरी, सामाजिक दूरी का ध्यान रखा है। गेट पर ही सभी छात्राओं की, यहाँ तक कि जो बाहर से आगंतुक आ रहे हैं, उनकी भी थर्मल स्कैनिंग और उनका सैनिटाइजेशन बाकायदा पूरी तरह से किया जा रहा है। वो मास्क लगाए हुए हैं, ये देखा जा रहा है। अगर किसी छात्रा पे मास्क नहीं है या किसी बाह्य व्यक्ति के पास भी मास्क नहीं है, तो विद्यालय स्तर से उसे उपलब्ध कराया जा रहा है। इसको 2 पालियों में बनाया गया है। प्रथम पाली 8:50 से 11:50 तक है, जिसमें 9th और 10th के बच्चे आएंगे, और दूसरी पाली जो है वो 12:20 से प्रारंभ होगी और 3:20 पे समाप्त होगी। उसमें 11th और 12th के छात्राएं आएंगी, और ये जो छात्राएं आएंगी ये अपने अभिभावकों की सहमति पत्र के पश्चात ही एंटर करेंगी। उसके लिए हम लोग पहले से ही तैयारी कर चुके हैं कि बच्चों से, छात्राओं से सहमति पत्र लिए जा चुके हैं, और सहमति पत्र ही एक एडमिट कार्ड की तरह उसकी सेकंड कॉपी उनको दे दी गई है। तो जिन छात्राओं के पास वो सहमति पत्र हैं, उन्हीं छात्राओं को गेट से प्रवेश दिया जा रहा है, और बाकायदा विद्यालय स्तर से व्हाट्सएप के द्वारा और फ़ोन के द्वारा उनको सूचित किया जा रहा है और जागरूक किया जा रहा है विद्यालय आने के लिए।